मंदिर क्या तैयारी है? क्या हो रहा है? आपको नहीं पता था? हाँ? अरे घर में नई देवी प्रकट हो गई है और पूरा का परिवार उसका ना भक्ति में एकदम लीन हो गया है, मगन हो गया है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? इसलिए हम वो भी सोचे ना कि पूरा परिवार के साथ जाके शामिल हो जाते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं वो देवी जी की आरती उतारने। एक मिनट, कौन देवी हैं और कब प्रकट होगी? प्रतिज्ञा देवी जो उन पूरे परिवार को अपना भक्ति जाल में फंसाई के ना बेहोश कली, वो प्रतिज्ञा देवी। अरे पहले तो ससुर जी उनके भक्त थे, फिर अब दादी जी भी उनकी भक्तन बन गई है, और अपने सासू जी भी वो गोल में सामने होने से ज्यादा पीछे नहीं है, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। पर आपका ये घर में मालिक बनने का सपना केवल सपना बन के रह जाएगा, आप कबो भी घर के मालिक नहीं बन पाएंगे, सब कुछ उल्टा होगा इस घर में। वो देवर जी बिना बच्चा लड़के के ना उनका इजादत का मालिक बना दिया जाएगा, फिर का डैडी वाले ससुर जी आपका हुक्म देंगे कि ए सक्तिया जाके ना वो बाबा और ना देवी जी की ना जिंदगी भर सेवा करो, फिर का आप बन जाएंगे ना सेवक राम और हम बन जाएंगे दासी। हाँ हो गया, काय बकवास कर रही हूँ, हम ना ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, ये सब कुछ हमरा है और हमरा ही रहेगा, और अगर कोनो दास दासी बनेंगे ना तो वो लोग। अरे रहने दो यार, अब यहाँ गिरियाने से का फायदा, कह के जहाँ बोलना तो वहाँ तो आप बोले नहीं, आपको ना आपको ससुर जी को विश्वास दिलाना चाहिए था कि जायदाद के अकेले लायक और जिम्मेदार बेटा केवल आप है, पर आप वहाँ कुछ बोले ही नहीं, आपका तो अपनी बेइज्जती करवाने से और ये घर से ना बरियाए जाने से तो अच्छा है कि हम वो प्रतिज्ञा देवी की भक्ति में शामिल हो जाते हैं। कम से कम एक घर में रहे भर की जगह तो मिल जाएगी, इसलिए हम जा रहे हैं वो प्रतिज्ञा देवी की ना भक्तन बनने। ए हटिए, अरे यार सुन तो, अरे यार कहाँ जा रही है, है? अरे बाप रे, इतना गुस्सा, तुमको ना ये भक्तन अक्तन बनने की कोई जरूरत नहीं है, हम पे भरोसा है ना, हैं? बहुत जल्द सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, और सुन सुन, हम तुमसे वादा करते हैं कि बहुत जल्दी ना तुमका ये हवेली की इकलौती मालकिन बनाए देंगे, खुश? और वो जो तुमने लिए हार की बात किए थे ना, बहुत जल्द वो भी दिलाए देंगे, कसम से। अच्छा हाँ चलो ठीक है, एक बार फिर से हम आपकी बात मान लेते हैं, बाकी हम तो सोचे थे कि हम एक मर्द से शादी किए हैं, अब अगर देवर जी और ससुर जी के ऊपर आप अपनी मर्दानगी साबित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमको दोष मत दीजिएगा जो हम करने वाले हैं। क्या करेगी फिर आग में, हैं? क्या करने वाली है? वो सब का आप टेंशन मत लीजिए, ज्यादा मत सोचिए, बस ऐसा कुछ कीजिए कि जो हम करने वाले करने का जरूरत ना पड़े हमको, हम आपकी पूजा करें, आपकी आरती उतारें, ऐसा कुछ कीजिए, आप खुद ही तय कीजिए कि हम प्रतिज्ञा देवी की आरती उतारें या फिर लीजिए आपकी, फैसला ना आपके हाथ में। अरे परी का मतलब, अरे मैन का